अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। यही तो जानना चाहता हूँ मैं कि सच क्या है। लेकिन मैं जानता हूँ आपके पास कोई सच नहीं, लेकिन हम सबके सामने सच है, और वो ये है कि एक वाइफ होने के बावजूद आपने एक लड़की को अपनी लाइफ में रखा है, और आप यहां मुझे ज्ञान बांट रहे हैं। चिल्लाइए मत। ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। तू बात नहीं कर रहा, तू अपनी गंदी सोच के नुमाइश कर रहा है। भाई मेरी सोच गंदी नहीं, लेकिन आपके एक्शन उससे ज्यादा गंदे हैं। बस करो रमन, अपने बड़े भाई के बारे में ऐसी सोच में कैसे सकते हो तुम? मम्मी आप बार बार भाई का साथ देना बंद कीजिए, यही है जो गेम खेलना जानते, अपनी मन की करते, और आज किसी जिद की वजह से इन्होंने नथनी की सगाई करवा दी। भगवान के लिए चुप हो जाओ रमन, भगवान के लिए चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो। माँ छोड़िए माँ, जिसका दिमाग फिर गया हो ना उसे कोई बात समझ में नहीं आने वाली। भाई मेरा तो सिर्फ दिमाग फिरा है, लेकिन आपका दिल, नियत और दिमाग सब फिर चुका है। बस कीजिए आप दोनों, दिखाई नहीं दे रहा माँ की हालत कैसी है। फिर भी रमन जी आप क्या कर रहे हैं? रजत जी आपके बड़े भाई है ना, तो क्या आप उन पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर सकते कि वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे? ये देखो आ गई फिर से रोमियो जूलियट की जोड़ी, एक को बचाने के लिए दूसरा खुद ही पड़ता है। अनमोल तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो मान लेते हैं ये मेरे बड़े भाई, और मेरे बड़े भाई होने के नाते ये मेरा भला सोच रहे हैं। एक काम करते चलो, आज मैं लाली को अपनी जिंदगी और इस घर से निकाल देता हूं। लेकिन क्या भाई आप अनमोल को अपनी जिंदगी से और इस घर से निकाल पाएंगे? बोलिए डील मंजूर है आपको? मैं यहां कोई सौदा करने नहीं आया, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तो रिश्तों को आपस में मत उलझाओ। मतलब ना, मुझे पहले से पता था ये अनमोल को अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे, तो आप लोग मुझसे ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि मैं आप लोगों की बात मानूंगा? कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लाली से। और अब मैं भी देखता हूं इससे शादी करने से मुझे कौन रोकता है। चलो लाली। दोनों भाई जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे आज एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर मैं बीच में बोला तो बात फिर कहीं और पहुंच जाए। नहीं अब मैं नहीं बोलूंगा, अनमोल को सब खुद ही संभालना होगा। बहुत कलेश करा चुकी हो, अब और नहीं, चलो निकलो हमारे घर से। अनमोल कहीं नहीं जाएगी, और चीची सारा गुस्सा आप अनमोल पर क्यों कर रही हैं जबकि इसने कुछ किया ही नहीं है? अरे वाह सुनैली, क्या कहा, इसने कुछ किया ही नहीं है? इस घर में जो बार बार तूफान आ रहे हैं ना, इसी तूफानी लड़की की वजह से ही आ रहे हैं। तुम्हें तो कुछ दिखाई देगा ही नहीं,
अगर आपको अनमोल की गलती दिखाई दे रही है तो दूसरे गुनहगारों की गलती भी तो देखिए। सही मायने में आग वही लोग लगा रहे हैं। अरे वाह सुनहरी, तुम्हारा तो वही सुर, वही राग और वही जवाब है इस लड़के के लिए। ठीक है, संभालो इसे। याद रहे, एक तितली हमारी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। ऐसे रोते नहीं और कोई भी बात को ना दिल पे मत लेना। इस समय सब लोग बहुत गुस्से में है ना। माँ देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ में है, फिर भी हमें संभाल रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उस चालाक लोमड़ी लाली का सच बाहर न ले आए। और तो और दलिया, आज तुम्हारे रमन ने तुम्हें दांव पर लगा दिया। सोचो जरा, अगर आज रजत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर देता तो मैं और तुम इस घर के बाहर बैठे होते। इस वक्त वाह, क्या कमाल बात कही आपने आंटी। रमन जी जरा सामने तो आइए। हे लड़के, झूठ बोलती हूँ हमसे? बाप रे बाप, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। कसम से लाली, तुम ना बिल्कुल नीली पड़ गई हो। और हमें यही तो देखना था, इसीलिए हमने छोटा सा झूठ बोला। लेकिन तुम आजकल काफी बड़े बड़े झूठ बोल रही हो। वैसे एक और बात बताया तुमको, झूठ के ना सिर्फ पैर होते हैं, हाथ नहीं। और उसी चक्कर में वो बहुत तेज तेज भागता है, और तेज तेज भागने के चक्कर में वो अंधे में गिर पड़ता है, और हाथ ना होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाता। ठीक वैसी ही हाल तुम्हारी होने वाली है। अनमोल, तुम ये सब बकवास करने के लिए यहाँ पे आई हो? चलो आओ, निकलो मेरे कमरे से बाहर। हम ये घर छोड़कर जाने वाले और तुम कमरे की बात कर रहे। और हमने कितनी बार बोला है ना, तुम हमारे बारे में छोड़ो, खुद के बारे में सोचो। सोच के देखो लाली, क्या होगा तुम्हारा जब रमन जी को तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। वैसे लाली, तुम ना हमें चुगनी की याद दिलाती हो, जो हमारे गांव में हमेशा यहाँ वहां भटकती रहती थी, कभी यहाँ तो कभी वहां। हमारे गांव के लोग ना उसे ना घर की ना घाट की कहने लगे थे, क्योंकि वो क्या है ना, जुगनी एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं पाती थी। नहीं नहीं नहीं, अरे जुगनी हमारी सहेली थोड़ी ना है, वो तो हमारे गांव की एक बकरी है, जिसको जहां चारा मिला वो वहां को हो गई। अनमोल, तुम आज को ज्यादा नहीं बोल रही हो? एक मिनट, हम ज्यादा बोल रहे और वहां रमन जी बहुत ज्यादा कर गए। लाली, उन्होंने एक झटके में तुम्हें दांव पर लगा दिया, इसीलिए हम कह रहे हैं लाली कि तुम एक बार ना अपने रिश्ते और अपने प्यार की जांच करवा लो। कहीं ऐसा ना हो कि जिस रमन जी के आगे पीछे तुम मंडराती रहती हो और हाथ धो के पीछे पड़ी हो, वही रमन जी अपना हाथ झाड़ते हुए निकल जाए और तुम्हारे हाथ में बस धोखा बचे।
ये लड़की ना नलिया, गुस्से से कुछ ना होगा, शांति से सोचना होगा, शांति से। हमारी बात ध्यान से सुनो, किसी भी तरह इस अनमोल को रजत से अलग करना होगा। एक बार रजत बाहर चला गया तो बस, ये चुटंकी और वो जो है ना सुनहरी, हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगी। रजत को दूर अब मैं करूंगी। हेलो, आ रहा हूं मैं। जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। अब होगा वो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस लाली को ना कैसे भी करके घर से बाहर निकालना होगा, लेकिन क्या करें? काजू को फोन लगाते हैं, काजू के पास जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा। अरे ये काजू क्यों नहीं फोन उठा रहा? अरे ये ड्राइवर भी ना दरवाजा खुला छोड़ दिया। आज की फाइट के बाद हमारी सारी फाइट खत्म होने वाली है। याद है ना क्या करना है तुम्हें? इसी बिहारी को उसे छोड़ना है। ऐसे तोड़ना कि वो दोबारा खड़ा ना हो पाए। डोंट वरी मैम, ये नहीं बचेगा। आज इस रजत को कोई नहीं बचा सकता। हमें फिर से बिगड़े ना आप दिखने लगे। अरे ये तो सच में रजत जी है, लेकिन ये से धंधा ना तो कहां जा रहे हैं? बैग भी है हाथ में, कहीं हमसे परेशान होकर गोरखपुर छोड़कर तो नहीं जा रहे? लेकिन हमने ऐसा, एक मिनट, ये स्टेशन तो हमें नहीं दिख रहा। शायद बस से जा रहे। और बोल, रोक उन्हें। ये क्या, ये कैसी जगह, ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं?
लो, ये तो शहरी अखाड़ा है, कुश्ती वाला। अनमोल तू है ना? लेकिन एक मिनट, बिगड़े ना आप यहाँ क्या करने के लिए? किसी की शक्ल बिगड़ने आए हैं क्या, या फिर किसी को मारने की सौंप सुपारी देने के लिए आए? नहीं नहीं नहीं, अरे रजत जी इतने बुरे थोड़ी ना है। तू भी ना। लेकिन ये है कहाँ, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो रजत जी हमारे पास भी नहीं है, फिर भी हमारे दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? घर में हमारा एक दुश्मन तो आज गया, हमारा प्लान कामयाब। अब सुनिए, वो आपने किसी आदमी को देखा क्या जिसने काली जैकेट पहनी है और वो बहुत लंबा लंबा सा है? ठीक है, ये पिघले नवाब कहाँ है? जादू जैसे गायब हो गए, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। हमें बहुत घबराहट हो रही है उनके लिए। तो पिघले नवाब का है। पिछली बार जीत के गए, तुझे क्या लगा हर बार जीतेगा और मुझे हराएगा? रजत जी आगे खोलिए, अभी ठीक तो है? सुनिए, आप ऐसे रिंग के अंदर नहीं आ सकती, चलिए जाइए बाहर। रेफरी, दस्तक गिनते गिन, अगर ये उठ गया तो ठीक है, वरना गेम खत्म। अरे ये नहीं उठने वाला, आया था हराने के लिए, खुद ही ढेर हो गया। ये ढेर इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने बेमानी की है। हम भी खेलते हैं कबड्डी, इसलिए हम भी जानते हैं कि सामने वाले प्रतिद्वंदी को तभी मारा जाता है जब वो अपने सामान्य स्थिति में होता है और अपने आप को बचा सके। और आपने सारे नियमों को तोड़कर ही मारा है। ए लड़की, तू मुझे खेल के नियम सिखाएगी? पिद्दी सी लड़की। सुनिए, बात यह है कि ज्ञान का कोई आकार नहीं होता और ना ही ज्ञान देने वालों का। हम भले ही पिद्दी हैं, लेकिन हम सब जानते हैं
ये भी जानते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान दिया है, शायद आपका ध्यान अपने दिमाग पर गया ही ना हो, तभी आपका दिमाग बस छोटा सा रह गया हो। ए लड़की, तुझे पता है तू किससे पंगा ले रही है? अगर एक पंच मारा ना तो 10 फुट दूर जाके गिरेगी, समझी? आप डरा किस रहे हैं? हम भी किसी से कम नहीं है। अपना दिमाग घर पे भूल के आए क्या? तेरा गुड लक है कि लड़कियों से लड़ना मेरे रूल बुक में नहीं है, समझी? जा यहाँ से। रजत जी, रजत जी, रजत जी, आंखें खोलिए। आप ठीक तो है ना? उठिए, आंखें खोलिए।